SMS के जरिए ये सवाल भी आया है, अगर किसी की गीबत की हो तो मुआफी अल्लाह पाक से मांगे या उस शख्स से मांगे। गीबत हराम है, कुरान हदीस में इसकी ममानत है, तो ये अल्लाह और रसूल की नाफरमानी तो हुई, तो यूं तौबा भी करे, और अगर उस शख्स को पता चल गया गीबत का तो अब उससे भी माफी मांगे। दोनों तरह के कौल है कि या तो पता चल गया तो माफी मांगना जरूरी हो गया, ये भी अकवाल है कि पता चले या ना चले उससे माफी मांगे। हमारे यहाँ ये बाहर शरीयत वगैरह में यही लिखा है कि पता चले तो उसको, तो अब यह हक्कुल अब्द भी शामिल हुआ कि उसकी दिल आजारी वगैरह पता चलेगा तो होगी ना, तो यूं मतलब है कि अब ये उससे माफी मांग ले पता चलने की सूरत में, ना चला तो तौबा काफी है, पता ना चला तो। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।